भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा व शहर के लोगों द्वारा दामिनी को सेक्टर 17 प्लाजा में श्रद्धांजलि दी गई। आज का प्रोटेस्ट उस लड़की की आत्मा की शांति के लिए है जो हुआ बहुत बुरा हुआ, और हमारी अभी गवर्नमेंट से यही विनती है कि उनको सजा देनी चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए और जितना जल्दी हो सके उन रेपिस्ट को हैंग कर देना चाहिए। लोगों में इस घटना को लेकर अभी भी इतना रोष देखा गया कि कुछ लोग अपराधियों को फांसी देने तो कुछ लोग आजीवन कारावास की मांग करते हुए नजर आए। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रधान आशा जायसवाल ने कहा, दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और सरकार ऐसे संगीन अपराधों को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से आज ही हमने ये श्रद्धांजलि समारोह रखा है। इसमें सबसे पहले तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उस बच्ची को भगवान अपने चरणों में जगह दे, और एक संदेश दे रहे हैं कि जो ऐसे घिनौने अपराध किए जाते हैं तो उन अपराधियों के लिए कष्ट सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। हमारे कानून में अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो इसको पार्लियामेंट में उठाना चाहिए और इसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए, और ताकि सख्त सजा होगी ताकि दोबारा ये कोई ऐसा घिनौना अपराध करने से डरे। देश में कानून जहाँ पे थोड़ा ढील हो जाती है क्योंकि जल्दी न्याय नहीं मिलता, तो उसकी वजह से भी ये अपराध बार बार हो रहे हैं। तो हमारी ये सरकार से भी प्रार्थना है कि इसमें जल्दी से जल्दी न्यायालय द्वारा भी ये जल्दी से जल्दी फास्ट कोर्ट या किसी तरह से भी न्याय मिलना चाहिए ताकि ये आगे किसी को भी हिम्मत ना हो कि ऐसा घिनौना अपराध करें। मैंने अभी आपसे बोला है कि क्योंकि ये कमी जो है कहीं ना कहीं हमारी सरकार की तरफ से है, कहीं ना कहीं कानून जो बने हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में है, इसीलिए लोगों को डर नहीं है और लोग बार बार ये अपराध करने से हिचकिचाते नहीं, क्योंकि जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूमते रहते हैं, इसलिए जो दूसरे लोग जो अपराध करते हैं उनको कोई डर नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा कि ये हमें पार्लियामेंट में हमारी विपक्ष की नेता सुषमा जी ने भी ये बात पार्लियामेंट में उठाई थी कि इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। हालांकि सरकार ने ऐलान कर दिया है कि दुष्कर्मियों के सभी मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी, लेकिन अभी भी इस घटना को लेकर सरकार और पुलिस को लोग जिम्मेवार मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।